गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? वी आर फाइन एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन। बेटा आज के सेशन में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में संज्ञा के बारे में पढ़ा था। यस मैम। यानी किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, अवस्था आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए सब लोग पिक्चर्स में देखिए, ताजमहल बना हुआ है सामने। तो ताजमहल एक भवन है, उसकी सुंदरता के बारे में सबने सुना है। देखिए ताजमहल एक जो है एक भवन का नाम है, और भवन यानी घर या बड़े बड़े जो बनाए जाते हैं, जो बड़े घर होते हैं और खूबसूरती के लिए बनाए जाते हैं, तो उनको हम भवन कहते हैं। ताजमहल एक भवन है, तो दोनों यहाँ ताजमहल और भवन संज्ञा शब्द है। फिर दूसरा वाक्य है आपका, उसकी सुंदरता के बारे में सबने सुना है। तो सुंदरता ये भी आपका संज्ञा शब्द है। जब हम इसके भेद को भेद करेंगे संज्ञा के, तब इसमें भाववाचक में आ जाएगा सुंदरता। दूसरा पिक्चर्स है दशरथ जी का। दशरथ एक राजा थे, दशरथ उनका नाम है और राजा थे वे। तो राजा हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, दशरथ नाम है तो व्यक्तिवाचक हो गया। उनकी महानता के बारे में सब जानते हैं, महानता हो गया भाववाचक। संज्ञा के मुख्य पहले तीन भेद किए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातवाचक और भाववाचक। भाववाचक से ही, जातवाचक से ही और दो संज्ञा बनी हुई है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आप लोगों ने पढ़ा था ना पिछले क्लासेज में, तो चलिए डिटेल में इसको हम पढ़ते हैं। किसी जात और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ बना भी हुआ है, संज्ञा के तीन भाग किए गए हैं, तीन पत्तियों में तीन भाग दिखाया गया है, व्यक्तिवाचक, जातवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष वस्तु का जो नाम होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्सन, जो हमारा व्यक्तिगत नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी पशु पक्षी का नाम हो, यानी विशेष नाम से अगर हम उसको जानते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हम अपने घर पे पशु पक्षी पालते हैं, तो पशु पक्षी अगर कहते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम उसका कोई नाम रख देते हैं, जैसे डॉगी, टॉमी, शेरू, तो जब वही जो जातिवाचक संज्ञा था वही अब क्या बन जाता है श्रेया, जब उसका नाम रख देते हैं तो व्यक्तिवाचक बन जाता है। जातवाचक ही व्यक्तिवाचक बन जाता है जब उसका हम नाम रख देते हैं। यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, रमेश, सीता, सावित्री, दुष्यंत, है ना, ये सब क्या है, एक विशेष व्यक्ति के नाम है। मेरी आवाज सुन पा रहे हो सभी लोग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चेतक, मोती, इरावत, बेटा किस जो है ये पशु पक्षियों के नाम है ना। चेतक, चेतक का नाम आप लोगों ने सुना है, किसी का नाम था चेतक? यस मैम। बताइए, जिसको पता हो बताए चेतक कौन था?
किसका नाम था, पशु का नाम तो यहाँ दिया ही गया हुआ विशेष पशु का नाम, लेकिन आप लोग बता सकते हो, हिस्ट्री पढ़ते होंगे। महाराणा प्रताप का नाम आप लोग जानते हैं? देश महापुरुष महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर के घोड़े का नाम था चेतक। यस मैम। सोहनलाल द्विवेदी जी ने उस घोड़े के ऊपर कविता भी लिखी है, रणवीर चौकड़ी भर भर का चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का। बहुत ही अच्छी कविता है, वीर रस से भरपूर। हो सकता है कभी आपके सिलेबस में आए तो पढ़े, नहीं तो आप सोहनलाल द्विवेदी जी का अगर पढ़ना चाहते हो तो आप नेट पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा कविता। यस मैम। तो इरावत है, मोती, मोती एक बेटा, मोती क्या है? मोती भी तो आप जानते होंगे, एक वस्तु है जो गहरे समुद्र में मिलती है। वस्तु क्या? पदार्थ है जो ज्वेलरी के काम में आता है, बहुत ही बहुमूल्य होता है। ठीक है, तो यह जो है सीप के मुंह में समुद्र के गहराइयों में मिलता है। इरावत क्या है, किसका नाम है? हाथी का। हाथी का? किसके हाथी का? हाथी इंद्र के। इंद्र के हाथी का। कामधेन किसका नाम है? ये भी देवताओं से ही संबंधित है। गाय का नाम बेटा देवताओं के, कामधेन। ठीक है, ये विशेष पशु का नाम है, लेकिन नाम होने के कारण जब हम संज्ञा के भेद करते हैं तो ये जातवाचक न होकर व्यक्तिवाचक में आ जाता है। ये सब व्यक्तिवाचक, देखिए यहाँ दिया भी गया है, व्यक्तिवाचक में ही आए हैं सारे। दिल्ली, जयपुर, जालंधर, भोपाल, ये किसी विशेष स्थान का नाम है। गीता, कुरान, रामायण, बाइबिल, ये किसी विशेष पुस्तक का नाम है। अगर हम पुस्तक कहते हैं तो पुस्तक आपका जातिवाचक रहता है, लेकिन नाम रख दिया गया तो यह व्यक्तिवाचक में आ गया। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा में, किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के समूह अथवा जात के बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में दिया गया है राजा। अभी देखिए, पहले आप एग्जाम्पल पढ़े, दशरथ एक राजा थे। जब दशरथ कह दिया गया तो नाम हो गया, तो आपका व्यक्तिवाचक था, लेकिन राजा अगर कहते तो राजा आपका जातिवाचक होता है, पूरे राजा जात के समूह का बोध करा रहा है वो। ऐसे लड़का है, या भी लड़का में सारे लड़के आ जाते हैं, पशु में सारे पशु आ जाएंगे, घोड़ा कहेंगे घोड़ा की बहुत सी प्रजातियां घोड़े में आ जाएंगी, हाथी, गाय, ये प्राणी जात का सूचक है। भवन, देश, गांव, राज, बाजार, गली, ये स्थान की जात का सूचक है। बर्तन, पुस्तक, कापी, गेट, बल्ला, ये वस्तुओं की जात बता रहा है। ठीक है, तो यानी जातवाचक का मतलब पूरी जात से समूह का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। तीसरा आपका आ गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में किसी के स्वभाव, गुण या दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या दिया गया उदाहरण में? सुंदरता, महानता, दया, ये सब हमारे अंदर के गुण स्वभाव हैं। क्रोध, ममता, लंबाई, ऊंचाई, मोटापा, वृद्धापन, बचपन, अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो गुण, स्वभाव, दशा के नाम को हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। भाववाचक में दो भाग किए गए हैं, कुछ लोग समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा से अलग मानते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा, जैसे सेना है, परिवार है, झुंड है, गिरोह है, टोली है, यानी जो पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। ठीक है, मंडली है, भक्तों की मंडली है, ऐसे समूह का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
दूसरा है द्रववाचक संज्ञा, द्रव पदार्थ हो जाए नाप तौल की इकाई में जिसका हम प्रयोग करते हैं, ऐसे द्रव्य चाहे तरल द्रव्य हो या ठोस, यानी अनाज हो चाहे सोना चांदी हो चाहे घी तेल पेट्रोल डीजल हो, है ना, ये सबको द्रव पदार्थ कहते हैं। ये सब जो है द्रव पदार्थ द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो तीन भेद थे, दो अब उपभेद कर दिए गए, पांच संज्ञा मान लिया गया है, संज्ञा के पांच भेद मान लिए गए हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा हम किन शब्दों से बनाते हैं इसको हमें देखना है। पहला है जातवाचक से, जातवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम शब्दों से, तीसरा विशेषण शब्दों से, चौथा क्रिया से, पांचवा अव्यय से, यानी इन पांचों शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। तो जातिवाचक जवान, ये पूरे फोर्स के जवानों का सूचक माना जाता है ना, तो जवान में वही लोग शामिल हैं, उनकी मतलब अंदर जो भाववाचक संज्ञा है जवानी, जवान से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है जवानी। ऐसे दानव से दानवता, मानव से क्या बनेगा खुशी, मानवता, मानवता, गौरव, गौरव, प्रभु से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, प्रभु शब्द से प्रभुता, बूढ़ा से बुढ़ापा, काव्यांशु भाई से, काव्यांशु भाई से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, भाई से भाईचारा, भाईचारा, मित्र से मित्रता, शत्रु से स्वामी से, स्वामी बताएंगे, पुरुष से क्या बनेगा, पुरुष शब्द से भाववाचक संज्ञा, बताइए। जैसे नारी से नारित्व तो बना है, ऐसे पुरुष से पुरुषत्व तो बनेगा। जो चीज नहीं लिखा उसको ना बता पाओ ऐसा नहीं, उसको आपको सोच समझ के बताना चाहिए। हिंदू से हिंदुत्व, है ना, ऐसे ही आपको जो है ये जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया। अब आते हैं देखते हैं सर्वनाम शब्दों से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अपना सर्वनाम शब्द है ना, अपना या अपनत्व हो गया। उत्कर्ष आप बताएंगे, पराया से क्या होगा, उत्कर्ष मैम पराया से, लिखा नहीं ढूंढ रही हो, मुस्कान बताएंगे, मुस्कान मैम के पराया से, यस मैम पराया से मैम, परायापन, परायापन, जैसे अपना से अपनापन हो गया, अपनत्व हो गया, ऐसे पराया से परायापन, अहम से अहंकार, अहंकार से
ममता ममत्व ये भी होगा, ममता है तो ममत्व भी होगा, निज से निजता, सर्व से सर्वस्व, तो इन शब्दों का भाववाचक संज्ञा बना हुआ है सर्वनाम शब्दों का। अगला है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण शब्द किसे कहते हैं, आकृति बताएंगी, आकृति? यस मैम। विशेषण शब्द किसे कहते हैं? आपको इतना ही नहीं पता है, भूल गई हो? अखिलेंद्र बताएंगे, अखिलेंद्र विशेषण शब्द किसे कहते हैं? हाँ बताइए। आपकी आवाज कटी आ रही है। बेटा हम पूछ रहे हैं विशेषण शब्द किसे? सुनाई नहीं। बेटा और लोगों को भी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है। हमने आपसे पूछा है विशेषण शब्द किसे कहते हैं? क्लेन अब भी सुन पाए कि नहीं सुने? यस मैम। हाँ बताइए। बताओ विशेषण शब्द भी फर्स्ट से ही पढ़ाना शुरू हो जाता है और उसको ना बता पाओ तो किस तरह की बात है? अभी हमने इसी लैपटॉप से ही बच्चों को, फर्स्ट के बच्चों को संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण चार शब्दों का ज्ञान कराया है। अब हर साल पढ़ाते भी हैं और आप मतलब बाहर से आए हुए हैं, आप भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं ग्रामर में आपको अभी संज्ञा सर्वनाम विशेषण सब बताया ना, इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। आकृति तो उसे नाक कटवा रही है, विशेषण नहीं बता पाई है। काव्यांशु, काव्यांशु बताइए विशेषण किसे कहते हैं? वेरी गुड, सभी लोग बता जाएंगे आकृति के अलावा, और क्लास के सभी बच्चे को हमें पता है कि सब लोग जानते हैं आकृति पढ़ने बिल्कुल नहीं ध्यान देती है इसलिए इनको नहीं पता है। जब हम विशेषण शब्द के नहीं जानेंगे क्या होता है तो कैसे हम उसको भाववाचक संज्ञा बनाएंगे? तो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं, चाहे संज्ञा की विशेषता हो चाहे सर्वनाम की हो। तो देखिए यहाँ पर दिया भी गया है आलसी, आलसी विशेषण शब्द है ना, हमारे अंदर की जो आलसपन है, आलस्य, ठीक है? तो भाववाचक संज्ञा आलस होगा, आलसी से आलस्य, उज्ज्वल से उज्ज्वलता, ऊंचा से आकृति, ऊंचा से क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा? उज्ज्वलता। ऊंचा से उज्ज्वलता होगा, ऊंचा से ऊंचाई, ऊंचाई, कठोर से कठोरता, कठोरता, निर्मल से निर्मलता, निर्मलता, खट्टा से खट्टास, उत्कर्ष बताएंगे, मीठा से मिठास, लाल से क्या होगा? लालिमा, लालिमा, हाँ देख के तो बता ही लोगे। हरा से हरियाली, हरियाली, सफेद से सफेदी, और काला से कालीमा, कालीमा, दिया है तभी बता ही रही हो। निर्धन से
निर्धनता संपन्न से संपन्नता यानी जो भी विशेषण शब्द है इसको हम भाववाचक संज्ञा बना आराम से बनाया जा सकता, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऐसे ही क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा, जैसे उठना से उठान, उड़ना से उड़ान, खेलना से खेल, यानी मूल धातु धातु को अलग कर दे, है ना, धातु क्रिया शब्द होता है उसी में हम उसके अनुरूप शब्दों को शब्दांश को जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे चाल चलना शब्द है क्रिया का तो चाल हो गया, दिखना का दिखावा, पहनना का पहनावा, है ना, चुनना का चुनाव, बुनना का बुनाई, मिलना का खुशी, मिलना का मिलाना का क्या होगा, खुशी, मिलाना का क्या दिखावा, मैम दिखावा, मिलना का दिखावा। श्रेया बताइए। मैम मिलावट, मिलावट। और देखना का क्या होगा, मैम दिखावट। अभिषेक सजना का क्या होगा, सजाना का, सजावट। हाँ? सजावट। हारना का, हार। अखिलेश बताएंगे, जीतना का, जीत। जीत जीत। सिलना का, काव्यांशु सिलना का, सिलना का सिलाना, दुकान दुकान बता रहे हो। गौरव बताइए सिलना का क्या होगा, मैम से सिलना का सिल क्या बताइए हो, बुनना का बुनाई, सिलना का सिलाई नहीं होगा, छोने के ना दौड़ाइए। देखना का दिखना दिखावा, और देखना का क्या होगा, मुस्कान मुस्कान दृष्टि। देखना का मैम दृष्टि, दृश्य। भाववाचक संज्ञा बना रहे तो दृश्य कहाँ से आ गया, मैम दृष्टि, दृश्य नहीं हो, दिखना का दिखाई। हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं ना, उसकी मूल उसका अर्थ थोड़ी नहीं बता रहे हैं। चलिए अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, दूर से दूरी, दिक से दूरकार, निकट से निकटता, वाहवाह से वाहवाही, हा हा से हाहाकार, चलिए अब इधर आगे आप बढ़ते हैं हम। आप जान ही गए होंगे संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, सबको पता होगा, उत्कर्ष। उत्कर्ष संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं,
मैम संज्ञा सब किसी व्यक्ति जाति और भाव के नामों को संज्ञा की संज्ञा के बाद भेद है। कौन कौन से? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? काव्यांशु आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? कौन कौन से? आकृति, आकृति आप बताइए। मैम पांच प्रकार से बनती है। पांच प्रकार के कौन कौन से शब्द हैं पांच प्रकार के? ये भी तो जानना चाहिए। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, पांच प्रकार से। हाँ चलिए अपनी स्वयं ले तो क्वेश्चन तो सभी आप लोग को पता है, अभी आप लोग से ही पूछ भी रहे थे। हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों से जातिवाचक भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर उपयुक्त खानों में लिखिए। आप लोग कुछ देर पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कितने लोग कितना इसमें अभी करते हैं। व्यक्तिवाचक में कौन कौन शब्द डालते हैं, जातिवाचक में, भाववाचक में। सभी लोग इतना जल्दी से कीजिए तो दो मिनट में। थला जो ने बीमार दिए सभी लोगों ने किया? हाँ जो लोग कर लेंगे हैंड शो करेंगे। मुस्कान आपका हो गया। चलिए बताइए जातवाचक में आपने किन किन शब्दों को डाला है? दरबारी, मंत्री और सम्राट। वेरी गुड। व्यक्तिवाचक में क्या डाला है आपने? मैम बीरबल और अकबर। और भाववाचक में? मैम चालाकी, मुग्ध, वीरता, सराहना। अभिषेक आपका हुआ? यस मैम। आप बताइए भाववाचक में आपने क्या क्या डाला है?
मैम चालाकी, बुद्धिमानी, वीरता और सराहना। श्रेया हाजिर जवाब भी नहीं डाले हैं आप लोग, ये भी तो आएगा। यस मैम डालिए मुस्कान, डालियो मुस्कान मैम। फोर ही राइट था इसलिए फोर ही राइट किए हैं और स्पेंडल लाइन किए हैं हाजिर जवाबी पे। अच्छा हाँ तो हाजिर जवाबी है आपका। बुद्धिमान से बुद्धिमानी भाववाचक संज्ञा बना हुआ है ना। सब लोग अगर न किए हो तो कर लो उसको, किसी का अगर रॉन्ग हो तो सही कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नीचे लिखे शब्दों के सामने संज्ञा भेद लिखिए। खटास कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक। राइट करते चल चलिए भाववाचक। उन्नति उन्नत विकास, नीचता भाववाचक संज्ञाएं नहीं है। यस मैम सर भाववाचक। घर, घर क्या होगा श्रेया? जातिवाचक है। रहमान व्यक्तिवाचक। अकबर व्यक्तिवाचक। मोहा एम द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। अखबार मैम जातिवाचक। जातिवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसको ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए सब भंडार में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों के खाने अलग अलग रंगों से भरिए। ठीक है, इसको आपको अलग अलग रंगों से कलर करना है, यानी व्यक्तिवाचक जितना है इसको अलग कलर से करोगे, जातिवाचक को एक रंग में करोगे एक जैसे रंग में, जात यानी तीनों का जाति व्यक्ति और भाव तीनों का अलग रंग रहे, जो भी रहे अलग रहे। अगर व्यक्ति लाल है तो सारे व्यक्तिवाचक में लाल करोगे, हरा बनाओगे तो सारे में यानी एक रंग का प्रयोग करते हुए आप इसको करेंगे। तो पहले आप इसमें से सर्कल करके देखेंगे कि व्यक्तिवाचक में कितना आ रहा है। ठीक है। यस मैम। यस मैम। पहले शब्दों को आप सर्कल कीजिए तभी आपका समझ में आएगा। पहले सबको शब्द बनाइए। यस मैम। हो गया बेटा? यस मैम। अब बताइए आप, अब सामने यहाँ बगल में जो स्पेस है इसी पे आप राइट कर लीजिए। इसमें व्यक्तिवाचक डाल के जितने व्यक्तियों का नाम है लिख लीजिए, और इधर जातिवाचक डाल के जाति में जितना शब्द आए हैं उनका नाम लिख लीजिए, भाववाचक डाल के भाव में जितना आए हैं उनका नाम लिख लीजिए बगल में। यस मैम।
कॉलम बना के, तब बताइए आप लोगों ने कितना नाम व्यक्तिवाचक में किया है। चलिए कितने लोग कंप्लीट कर लिए? मुस्कान कितना नाम ढूंढी आप? यस मैम। कितना नाम ढूंढी? मैम सेवन। सेवन, वेरी गुड, सेवन हमने भी ढूंढा। सेवन, सेवन नाम में। और अजू जाइए, अब बोलेंगे नहीं आप। और किसने सेवन नाम ढूंढा है? हैंड शो कीजिए, कितने लोग सेवन नाम ढूंढे हैं जल्दी से? बोली बेटा अभी नहीं ढूंढ पाए लोग। अब हाँ, गौरव ढूंढ ले गए सेवन नाम, अखिलेंद्र आप भी ढूंढ ले गए। बताइए कौन कौन से सेवन नाम है? अखिलेंद्र स्पीकर ऑन करके बताइए। मैं हाँ आप लोग सुनेंगे, गौरव सुनेंगे। हाँ चलिए बोलिए पहला नाम, बोलते जाइए जल्दी। सचिन, वेरी गुड, आगे बोलते जाइए। नील, हाँ सुनील है, सुनील। और आवाज नहीं आपकी क्लियर आ रही है। हाँ चलिए गौरव बताएंगे, बताइए सर। हाँ। सचिन, सोनिया, विराट, सर, राहुल, वीर, सुनील और दया। दया, दया नहीं बेटा, बीरू नीचे है दया के। बीरू है, राहुल है, सुनील है, हरभजन है, सौरव है, सोनिया, सचिन। हमने तो इतना नाम ढूंढा है। सचिन, विराट, मुस्कान, यही तो है। यस मैम। यही सात तो नाम है। यस मैम। अभिषेक आपका सात नाम कौन सा है? यही है। Yes, ma'am. हाँ चलिए बेटा, इसके बाद वाला जो चीजें हैं इसको आप लोग करके फिर इसको भेज yes, देंगे। आज का होमवर्क आपका यही है, ठीक है? दोनों पेज कंप्लीट करके भेज yes, देंगे। यस मैम। समय समाप्त हो चुका है, अगले सेशन में हम आप लोगों को लिंक के बारे में बताएंगे। यस मैम। रचनात्मक गतिविधियां भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अगर पूछते हैं तो आप लोग बता पाओ कुछ। बाकी ये चीजें कंप्लीट करके भेज दीजिएगा। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलिए बेटा, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय।